Next question. Question says a uniform rope of length L and mass M1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. सवाल ये wavelength of the pulse when it reaches top of the rope is lambda 2. हमें बताना है lambda 2 और lambda 1 का रेशो क्या होगा. नाउ सिंपल सवाल है, बेसिक्स यहाँ पे अपने क्लियर होने चाहिए. सो सिचुएशन ये है कि ये आपकी एक रोप है और इस रोप का मास m1 दिया हुआ है और इसके एंड पे हमने एक m2 मास यहाँ लगाया और यहाँ पे हमने ऐसे करके डंडा मारा और एक वेव यहाँ पे प्रोड्यूस की. वेव ऐसे ऐसे करके ट्रैवल ये करेगी, नीचे से ऊपर वेव जा रही है आपकी. यहाँ पे जो वेव लेंथ है λ1 है, यहाँ वेव लेंथ आपकी λ2 है. हमें बताना है इन दोनों का रेशो क्या होगा. नाउ ये बात अपने को पता है कि वेलोसिटी जब भी हम लिखते हैं यहाँ पे तो आपकी जो वेलोसिटी इन वेव उसको लिखते हैं हम √T/μ होएगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी और वहाँ वेलोसिटी दोनों में बहुत फ़र्क आएगा बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन का फ़र्क होएगा. यहाँ पे जब हम देखेंगे तो आपकी टेंशन होएगी, इसको आप लिखोगे m2g. यहाँ पे टेंशन जो आएगी वो टेंशन t2 कह लेते हैं, वो होएगा m1 + m2g बिकॉज यहाँ पे आपका टेंशन यहाँ ऐड हो गया. नाउ अगर म्यू की बात करें तो यहाँ पे म्यू जो आपका होता है वो होगा मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m1 पर यूनिट. अगर इसकी लेंथ एल है तो m1/L आ जाएगा. अपने कोई बात और पता है कि वेव में जो हमने ये जो वेव प्रोड्यूस की है उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि सोर्स पर डिपेंड करती है तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. यहाँ से यहाँ वेलोसिटी आपकी चेंज होएगी, यहाँ भी वेलोसिटी चेंज होएगी और साथ के साथ लैम्डा भी चेंज होएगा. सो ये बात अपने को पता है. नाउ दिस T/μ जो आपकी वेलोसिटी है इसको हम लिख सकते हैं f λ. इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि v1 जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू f λ1 और v2 जो होएगा आपका वेलोसिटी 2 दैट विल बी इक्वल टू f λ2. इन दोनों का अगर हमें रेशो चाहिए विच इम्प्लाइज λ1/λ2, ये इसकी वैल्यू होगी नथिंग बट v1/v2. सो ये हो जाएगी v1/v2 और v1 की वैल्यू जो है म्यू आपका कॉन्स्टेंट है, v1 की वैल्यू डायरेक्ट टेंशन के प्रोपोर्शनल है. सो दिस विल बी इक्वल टू t1/t2 और T1 और T2 की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है. तो T1 जो आएगा आपका λ1/λ2 चाहिए. T1 जो आएगा ये होएगा m2g कैंसिल कर रहे हैं हम, m2/m1+m2. सो ये अपनी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं नहीं, हमें जो बताना है वो λ2/λ1 है. अलग तो अपने को बताना है λ2/λ1, उसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. सो आएगा m1+m2/m2. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर.